हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? जानते तो हो ही मुझे। मेरा नाम है गुरसेवक सिंह और मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर। बहुत दिनों बाद एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा बिजी था, कुछ काम कर रहा था और होपफुली मैं आपको बताना चाहूँगा वो काम क्या था। अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है और जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, फिजिक्स में वीक हैं, ठीक है, और आईआईटी मेंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, फिजिक्स की वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है, और मुझे कांटेक्ट करिए। और मैं गारंटी देता हूँ नीट के 180 मार्क्स में से 150 से प्लस, दिस इज माई श्योरिटी। जो जो कहूँ, जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे फॉलो करिए। जो जो टेस्ट पेपर्स की सीरीज दूँ, जो असाइनमेंट्स दूँ उनको करिए। टाइम आपको देना है, गाइडेंस मैं दूंगा। जेई मेंस की बात करें तो 120 मार्क्स की फिजिक्स में से 90+, दिस इज माई श्योरिटी, इतने आएंगे ही आएंगे। ये मेरी श्योरिटी है भाई। जो जो एग्जाम पेपर्स उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आपको आपको करने ही करने हैं। लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स डालूंगा वो भी आप पढ़िए। और वैसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में आ सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो आज का पर्टिकुलर लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एकेडमिक पे बहुत रेयर पूछा जाता है, बट कॉम्पिटिशन के लिए एकदम नंबर वन टॉपिक है, ग्रोथ एंड डिके। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। करंट का ग्रोथ कैसे होता है, करंट का डिके कैसे होता है, किस में? एल आर सर्किट में। एल आर सर्किट में आपका जो पर्टिकुलर ग्रोथ है वो किस तरह से होता है, ये अपने लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और अगर आपको ये पता है कि टाइम कांस्टेंट आपका होता है एल अपॉन आर, और इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कब यूज करना है, तो आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हो, अगली वीडियो देख सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता है ये टाइम कांस्टेंट जो आपका है, बेसिकली तो इसको टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, होता है एक टाइम कांस्टेंट ही है, ठीक है, किसके लिए होता है, ये आपका एल आर सर्किट के लिए होता है। इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह आपको समझ में आ जाएगी इस डेरिवेशन के बाद, ये क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। तो शुरू करते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेल आपने लगा रखा है सपोज, और उसके साथ आपने कनेक्ट कर रखा है एक स्विच, ठीक, और साथ में लगा रखा है एक इंडक्टर, एज बताया गया एल आर सर्किट। तो आर भी लगाना जरूरी है भाई, ओके। तो ये हो गया एल, ये हो गया आर, एंड दिस इज योर ईएमएफ ई। तो ये स्विच आपके पास जो है इस समय कनेक्टेड है सीरीज में, किसके साथ? एक सेल के साथ, एक इंडक्टर के साथ और एक रजिस्टर के साथ। तो आपको इसमें सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व करोगे वो ये कि इफ स्विच एस इज क्लोज्ड, इफ स्विच एस इज क्लोज्ड, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो विदाउट इंडक्टर जो आप ऑब्जर्वेशन लोगे वो क्या होगी, करंट एकदम से फ्लो करना शुरू कर देगा एकदम से। एमीटर लगाइए, अब एकदम से इसका डिफ्लेक्शन देखोगे एकदम से, विद इन एन इंस्टेंट, विद इन नो टाइम वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर एकदम से पहुंच जाता है, ठीक। बट अगर आपका इंडक्टर लगा हुआ है तो जैसे आप स्विच क्लोज करते हो तो एट टी इज इक्वल टू जीरो आई विल ऑल्सो बी व्हाट, जीरो। ऐसा कैसे? करंट को बढ़ने से कोई रोक रहा है, इसका मतलब कौन है वो? तो करंट बढ़ना चाह रहा है इसके अंदर, तो बढ़ता हुआ करंट, देखो यहां से करंट आया होगा ना, और ये करंट इसमें से पास हो रहा होगा, करंट बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, उस बढ़ते हुए करंट को इंडक्टर एकदम से तो नहीं बढ़ने देगा। ये तो आपको पिछली वीडियो में ही समझ में आ गया होगा इंडक्टर का रोल क्या होता है, इसके अक्रॉस एक खुद में खुद एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस का जो पर्टिकुलर करंट है वो एकदम से नहीं बढ़ता है, उसको बढ़ने में कुछ टाइम लगता है। फंडा आपको क्लियर है ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग करंट क्या करेगा, इसके अक्रॉस का फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो भाई फैराडे के अकॉर्डिंग माइनस का डी फाई ओवर डी टी उसके अक्रॉस एक ईएमएफ सेटअप कर देगा, और वो ईएमएफ बेसिकली क्या करेगा, एक अपना करंट जनरेट करना शुरू कर देगा, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ते हुए करंट को इसका करंट अपोज करेगा, तो
तो t इज इक्वल टू जीरो पर i की वैल्यू नहीं होने वाली है, क्योंकि अपोजिंग करंट की वजह से वो i आपका एक इंस्टेंट पर, अगले ही इंस्टेंट पर स्विच ऑन, अगले इंस्टेंट पर i कितना जीरो होने वाला है। उसके बाद बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्यों, अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो बट अगर इफ सर, अगर सर मैं इंडक्टर नहीं लगाऊं तो, इफ इंडक्टर वॉज रिमूव्ड, अगर इंडक्टर हट जाता तो इंस्टेंटली आपको एक करंट मिलता आई, और वो होता मैक्सिमम, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को भी रिसीव कर लेता, तो उसकी वैल्यू कितनी होती, ई अपॉन कैपिटल आर के बराबर हो जाती। आई नॉट की वैल्यू कितनी हुई थी, ई अपॉन कैपिटल आर के बराबर हो जाती। इसका यूज करेंगे भाई, मैक्सिमम करंट तो इतना ही हो सकता है ना, आई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर अगर मैं इंडक्टर को हटा देता। बट यार इंडक्टर को हटाया नहीं गया, इंडक्टर को हटाया नहीं गया है, उसके अक्रॉस एक ईएमएफ सेटअप हो चुका है और वो क्या कर रहा है, इस बढ़ते करंट को रोकने का काम कर रहा है। तो आपको ये ऑलरेडी पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, ये होती है, इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। और अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूं तो मॉड ऑफ इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो देखो अब क्या ये पर्टिकुलर आपका इंडक्टर है कि ये मैं प्रोवाइड करवा रहा है कितने की एल डी आई ओवर डी टी, तो इसका मतलब ये करंट को कहीं ना कहीं तो रोक रहा है ना ग्रोथ करने से, कितना टाइम ले पाएगा। तो मान लेते हैं यार इस सर्किट को कुछ टाइम लगा, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत टाइम लगा, धीरे 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 ये करंट बढ़ रहा, इंडक्टर अपोज कर रहा था, धीरे धीरे बढ़ा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू उसने अचीव कर ली। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, आपकी आई नॉट के बराबर, जो क्या है, ई अपॉन आर। जब ये काम होगा, आई आई नॉट के बराबर हो चुका होगा, तो हम यही मानेंगे अब इंडक्टर ने काम करना बंद कर दिया है, ये करंट कॉन्स्टेंट हो गया होगा। ये मान लेते हैं स्टडी कंडीशन, एट स्टडी कंडीशन, एट स्टडी स्टेट, ये कभी ना कभी तो पहुंचेगी ना इस कंडीशन पर, सर्किट आपकी कभी ना कभी तो इस कंडीशन पर पहुंचेगी एट स्टडी स्टेट। टी इंफिनिट मान लिया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया होगा, तो आपका करंट आपका मैक्सिमम हो चुका होगा, दैट इज आई नॉट के बराबर। और आई नॉट के बराबर तभी तो हुआ होगा जब कंडक्टर ने काम करना ही बंद कर दिया होगा, वो एक सिंपल अब एक वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो इंडक्टर इज नॉट वर्किंग इन सच अ कंडीशन। ठीक, ये मान लिया हमने सर्किट काम, सर्किट में आपका इंडक्टर काम ही नहीं कर रहा है, तो आपकी सर्किट उस समय कुछ ऐसी बन चुकी होगी, ये आपका सेल लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, अब एक सिंपल सा करंट इसमें आई फ्लो करेगा और वो आई आई नॉट के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, ई बाय आर के बराबर। ये तब जब इंडक्टर नहीं लगा, बताया हुआ ऑलरेडी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये देखो बताया हुआ है, पर जब इंडक्टर लगा हुआ है तब तो काम हो रहा है ना कुछ, तो वो काम क्या है, तो ध्यान से देखिए, आपका वो सेल एज इट इज यहाँ पर लगी हुई है वो की, ठीक है, फिर आपके पास वो इंडक्टर, ठीक, उस इंडक्टर को मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ, क्योंकि मैं उस इंडक्टर को ध्यान से देखना अभी रिप्लेस करने जा रहा हूँ, किसके साथ, एक इमेजिनरी बैटरी के साथ, जो क्या कर रही है, इस फ्लो होने वाले करंट को अभी के लिए तो अपोज कर रही है, अभी के लिए क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो इधर इसका पॉजिटिव होगा, इधर इसका नेगेटिव होगा, करंट आपका इधर फ्लो कर रहा होगा इस कंप्लीट की वजह से कैपिटल आर के अक्रॉस। तो इस सर्किट को नाम दे दिया ए बी सी डी। तो इस समय ये ए बी सी डी सर्किट एक क्लोज सर्किट है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और आपका एक सेल लगा है जिसकी ईएमएफ ई है, अपोज करने वाली एक पर्टिकुलर बैटरी मान लो जो एक इंडक्टर थी, और उसका पर्टिकुलर ईएमएफ कितना है, एल डी आई ओवर डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी उसका अपना ईएमएफ, वो अपोज करने का काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लगा देना है किरचॉफ, अप्लाइंग किरचॉफ, अप्लाइंग के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें क्या होता था, समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, याद रखना। तो लूप चाहिए उसके लिए, तो लूप मैंने मान लिया ए बी सी डी ए, एक लूप हो गया ए बी सी डी ए, एक आपके पास लूप हो गया। तो ए से बी गया सबसे पहले, ध्यान से देखो, ए से बी जाऊंगा तो मुझे पॉजिटिव का टर्मिनल एनकाउंटर हुआ, तो मैं लिख दूंगा प्लस का ई। ये मैंने किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में अच्छे से समझा रखा है, जिसने नहीं देखी है वीडियो वाली, लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी किरचॉफ लॉ,
गुरु की फिजिक्स आपको मिल जाना है, ठीक है। तो प्लस का ई आ गया इधर, फिर जाओ बी टू सी। तो जब बी टू सी में जाओगे ध्यान से देखो, कुछ नहीं है ना, रजिस्टर है और ना करंट, तो रजिस्टर नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। फिर आया सी टू डी ब्रांच, तो सी से डी में जब मैं जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन इधर, लूप इधर, तो माइनस का साइन, तो माइनस का आई आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कितना हो जाएगा, माइनस का ही है। फिर आया यहां पर तो माइनस का साइन फिर से दिखा उस पर्टिकुलर बैटरी के लिए, और उसकी वोल्टेज कितनी है, एल डी आई ओवर डी टी, तो माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। ये सारी के सारी वोल्टेज सिर्फ सर्किट में लिख दी विद साइंस, समेशन कर दिया, इक्वल टू क्या मिला, जीरो के बराबर, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो भाई, तो ई माइनस आई आर विल बी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, मिल गया। यहां से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है, डी टी अपॉन एल इज इक्वल टू, इसको डी आई मान लें, इसको डी आई मान लें, कोई परहेज नहीं है वैसे, मान सकते हो कैपिटल आई भी, बट डी आई मान के चलते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो डी आई अपॉन ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक, तो भाई किसी टाइम जीरो से शुरू हुआ, जब आपका करंट क्या था, जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर करंट क्या था, जीरो, और किसी टाइम टी तक गए हम, किसी टाइम टी तक गए, इन्फिनिट पे नहीं गए अभी, किसी टाइम टी तक गए, किसी टाइम टी पर कोई करंट आई तो होगा ना, मैं नहीं कहता मैक्सिमम होगा पर कुछ करंट तो होगा ना आई, ठीक। तो यहां पर आपने क्या करा, इसका करा पहले तो इंटीग्रेशन डी टी का, एल का तो होना नहीं, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो वन बाय एल तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, जस्ट टी, तो आपके पास क्या बचा, जस्ट टी बचा, इज इक्वल टू, फिर क्या नीचे आपका एक वेरिएबल करंट है जिसके वजह से चीजें इंटीग्रेट हो रही है, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ ई ब्रैकेट में ई माइनस आई आर होल डिवाइडेड बाय माइनस आर। ये नहीं पल्ले पड़ा सर, कैसे आया है ना, ये नहीं पल्ले पड़ा होगा। तो देखो अगर इंटीग्रेशन होता है डी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स का, तो मैं तो लोगों को तो इंटीग्रेशन आती होगी, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाता है, लॉग ऑफ ई ए माइनस बी एक्स, और नीचे हो जाता है डिफरेंशिएशन किसका, कंप्लीट का, ए माइनस बी एक्स का। तो ए माइनस बी एक्स का जब डिफरेंशिएशन होगा नीचे, तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ई ए माइनस बी एक्स तो एज इट इज था, और नीचे ए कॉन्स्टेंट तो जीरो, माइनस बी बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना वन, तो माइनस का बी आ गया, जैसे माइनस का आर आ चुका है, ठीक है। अब माइनस के आर को इधर भेज दिया जाएगा, तो माइनस का आर टी अपॉन एल विल बी इक्वल टू, अच्छा कहां से कहां तक था, जीरो से आई तक था, ये तो लिखना, तो जीरो से आई तक, जीरो से आई तक, तो हमने लिमिट भी लगा दी, तो पहले लगाई आई के लिमिट तो मिला ई माइनस आई आर, फिर लगाई जीरो के लिमिट तो क्या मिला, लॉग ऑफ ई, ठीक। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, तो लॉग ऑफ ई, ए आपके पास है ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय बी आपके पास है ई, लॉग ऑफ ई ए अपॉन बी आ गया। इधर आपके पास मिला माइनस का आर टी अपॉन एल, जो लॉग ऑफ ई है इसको इधर भेजा, तो एक्सपोनेंशियली क्या मिला, ई की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय ई था, तो ई दोनों से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ क्या आ जाएगा वन, तो वन माइनस आई आर अपॉन ई, इधर क्या मिला माइनस का आर टी अपॉन एल, ठीक। अब क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, जब आपने लॉग को इधर भेजा तो ये e की पावर है, ध्यान से देखिए e की पावर है, तो ये e की पावर में है, e की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल, ठीक है। माइनस का आई आर अपॉन ई इधर ले आए, माइनस का आई आर अपॉन ई इधर ले, तो प्लस का हो गया, ये प्लस का e की पावर माइनस आर टी अपॉन एल उधर ले गए, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो वन माइनस e की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ठीक। ये चीज आ गई आपके पास, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहां पर, ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर ब्रैकेट में क्या है, वन माइनस ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल इन टू टी। ई अपॉन आर क्या था, ई अपॉन आर आपके पास आई नॉट के बराबर है, तो एक्सप्रेशन मिल जाती है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में वन माइनस ई की पावर माइनस का आर एल इन टू टी। ये कंप्लीट आपके पास एक ग्रोथ ऑफ करंट की एक्सप्रेशन आई है, किसके लिए, एक एलआर सर्किट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं रब कर लेता हूँ ताकि आपको और समझा सकूँ इसमें। अभी तो बहुत कुछ है समझाने को, समझेगा ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या निकल गया, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल इन टू टी। यार एक्सपोनेंशियल की जो ओवरऑल यूनिट हो रही है वो क्या होनी है, डायमेंशनलेस, कोई यूनिट नहीं होना उसका। तो इसका मतलब अगर टाइम से ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी टाइम होना चाहिए, बट कैसे टाइम होगा, 1 अपॉन टाइम। ठीक, तो यहां पर आपके पास जो एल अपॉन आर है ये किसी टाइम की एक्सप्रेशन है बेसिकली, और वो टाइम को नाम दिया गया है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है, जिसके बारे में मैंने शुरू में लिखा था, एक टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसका अगर आप यूनिट पुट करते हो, दोनों के यूनिट पुट करोगे या डायमेंशन पुट करोगे तो आपको वो टाइम के फॉर्म में मिल जाना है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन निकल के आई, ठीक है, जिसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। तो करंट का एक्सप्रेशन आई नॉट के टर्म्स में समथिंग ये। सर डिफाइन करिए, किसको डिफाइन करिए, 1 टाउ को, टाउ को डिफाइन करते हैं, टाउ बेसिकली जो आपका टाइम कांस्टेंट। तो अगर इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहता हूं तो ध्यान दीजिएगा, इफ एट एनी टाइम टी आपका वो टाउ के बराबर हो जाता है, अगर वो टाइम कभी ना कभी टाउ के बराबर हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बचेगा। ठीक, अगर ये माइनस 1 बचता है तो यहां बन जाएगा 1 बाय ई। ठीक, ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, ठीक है, तो 1 अपॉन 2.7 आ जाएगा समथिंग 0.37। ठीक, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 0.37, तो क्या आया 0.63 आई नॉट। आई की वैल्यू क्या आई, 0.63 आई नॉट। तो इसका मतलब टाउ क्या है, टाउ एक ऐसा टाइम है जब आपका करंट कितना हो जाए, करंट बिकम्स 67% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज आई नॉट के बराबर। एक ऐसा टाइम जब आपका कोई पर्टिकुलर करंट मैक्सिमम करंट के 67% हो जाए उसको कहा जाता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ये चीज क्लियर हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लीजिए भाई, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ में भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। सुनिए ग्राफ, अब अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर करंट क्या था, जीरो था, है ना, टी इज इक्वल टू जीरो पर करंट भी क्या था, जीरो। करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 एक टाइम जब आपका आई आई नॉट के बराबर होना था, टाइम तो बेसिकली वो इन्फाइनाइट था, तो किसी इन्फाइनाइट टाइम के बाद वो करंट आई नॉट के बराबर हो जाना था। बट अगर मेरे पास वो टाइम जो यहां पर सॉरी यहां पर वो टाइम आपका टाओ के बराबर किसी टाइम पर हो जाए तो आई की वैल्यू क्या हो जानी है, वहां पर 0.63 ऑफ आई नॉट के बराबर, तो उसको भी आप यहां पर मेंशन कर सकती हो। ठीक है, समथिंग समथिंग है, ठीक है, तो आपका आई कितने, किसके बराबर, 0.63 आई नॉट के बराबर, जब आपका टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट के बराबर, दैट इज एल अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज बेसिकली व्हाट द ग्रोथ ऑफ करंट इन एन एल आर सर्किट, कि कैसे आपका करंट ग्रो करेगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। डेरिवेशन पॉइंट भी मैंने इसलिए बताया था कि आपको समझ में आए कि करंट ग्रो कैसे करता है। तो इंडक्टर बेसिकली पहले शुरू शुरू में क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, एकदम से बढ़ने नहीं दे रहा, फिर धीरे 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 बढ़ाएगा उसको। ठीक, बढ़ने के बाद अब डिके कब होगा, तो आप बेसिकली क्या करते हो, जब स्विच को ऑफ करते हो, जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो करंट एकदम से जीरो गिरता है, बट इंडक्टर ये भी नहीं होने देता, इंडक्टर एकदम से करंट को भी जीरो नहीं होने देगा। जैसे ग्रो नहीं होने दिया एकदम से, वैसे डिके भी एकदम से नहीं होगा। तो डिके कैसे होगा वो भी जान लीजिए, उसकी भी पूरी कहानी अपने आपको बताने जा रहा हूँ कि डिके कैसे होगा। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको मैं आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी आ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपका जो फिगर है ये चेंज हो जाएगा। अब बात करेंगे डिके, इन केस ऑफ डिके आपके पास क्या होता है, आपके पास वही पर्टिकुलर सेल लगा हुआ है, एक स्विच एस लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास इधर इंडक्टर लगा हुआ है और इधर आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर आप एस सी वर्मा उठा लेते हो तो एस सी वर्मा में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा है,
यहाँ एक की लगी हुई है, ये की लगी हुई है, ये की समथिंग ऐसे है, बड़ी सी मोटी सी, ठीक है, समथिंग ऐसे है। अरे मेरे भाई, ठीक है, समथिंग ऐसे है। इसकी को मैं धीरे 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 नीचे लाऊंगा तो इन दोनों एंड्स को वो कनेक्ट करना शुरू कर देगी और इन दोनों को रिलीज करना शुरू कर देगी ऐसी, और कुछ ऐसे कि आप जैसे इस की को नीचे लाओगे तो ये दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कनेक्शन से जस्ट पहले, इसके कनेक्शन को तोड़ने से जस्ट पहले ये कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो कनेक्शन टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने से पहले ये कनेक्शन हो जाना चाहिए, वरना जो अपने लोग डिके पढ़ने जा रहे हैं कोई फायदा नहीं होने वाला, वो एकदम से जीरो कर देगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे और यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपका ये सिंपल सर्किट किस रूप में मिलेगा, सिंपल सर्किट आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, सिंपल है ना, ये सर्किट आपका समथिंग ऐसे ही मिलना चाहिए था। या फिर आप अगर चाहो तो सर्किट ऐसे बना सकते हो, स्विच एक यहां लगा दिया, ठीक है, और एक स्विच यहां लगा दिया, ऐसी वर्मा में वो एक क्लिप सी दे रखी है, और अगर आप वैसे वैसे बनाना चाहो तो स्विच S1 और स्विच S2 की कहानी को लेके आप कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कीपिंग स्विच S1 क्लोज एंड सॉरी ओपन और S2 को क्लोज कर देना है। बस ये ध्यान में रखे, जब आप S2 को क्लोज कर रहे हैं तो उससे जस्ट पहले आपकी बैटरी कनेक्टेड हो, स्विच क्लोज होने के जस्ट बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, उससे पहले डिस्कनेक्ट मत कर देना गलती से, ठीक है। तो कीप स्विच S1 ओपन एंड S2 क्लोज एंड क्लोज द स्विच S2 इन सच अ वे दैट बिफोर सच अ दैट इन सच अ वे दैट बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, और जैसे कनेक्ट हो जाए उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, ध्यान से देखो, स्विच S2 को क्लोज कर दिया गया होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, और जो इसमें अब करंट फ्लो हो रहा था और वो मैक्सिमम से जीरो पर आना धीरे धीरे, बट उस मैक्सिमम करंट को जीरो पर आने से भी ये रोक रहा है, रोकेगा भी, इंडक्टर है, अपोज करेगा करंट को, कम होते हुए करंट को बढ़ाएगा, बढ़ते हुए करंट को रोकेगा। तो ग्रोथ के केस में क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, बढ़ते हुए करंट को रोकने का काम कर रहा था। अब क्या कर रहा है, करंट कम हो रहा है तो कम होते हुए करंट को भी ये रोकने का काम करेगा, बड़ा बदतमीज करंट है भाई, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का एक पर्टिकुलर करंट जो इसको अपोज करेगा, कहने का मतलब ये भी एक बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो अपने लोग इसका एक वो सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक ये बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू करे, ये जो इंडक्टर है ये बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, ध्यान दीजिएगा। तो ये बन गई बैटरी, ये बनेगी हाँ या ना, नहीं, कैसे बन जाएगी, ये करंट इधर ही तो फ्लो कर रहा था, इधर ही तो अब डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज इधर होगा तो अगर मैं ऐसी बैटरी बना दूंगा तो ये तो उसको अपोज करना शुरू कर देगा, तो अब इसका जो टर्मिनल है वह अपोजिट हो जाएगा, है ना, अब उसका टर्मिनल उधर की तरफ हो जाएगा, ताकि ये उस कम होते हुए करंट को फेवर करे, सपोर्ट करे, तो करंट इसकी वजह से भी उधर ही फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक। इसके अक्रॉस का पर्टिकुलर ईएमएफ कितना है, E इज इक्वल टू LdIdt, यही था ना। तो बेसिकली आपका जो ईएमएफ है वो कितना, E इज इक्वल टू LdIdt। पर्टिकुलर ईएमएफ कैसा होगा, माइनस का, ये तो आप सबको पता है कैसा होगा, माइनस का। तो भाई दिस इज द ओनली सोर्स विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द करंट, दिस इज द ओनली सोर्स, इस समय यही एक बैटरी है जो इस करंट को प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। तो वी कैन बेसिकली व्हाट वी कैन से इज माइनस का LdIdt इज इक्वल टू I into R, मैं भी कह सकता हूं दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द करंट इन द पर्टिकुलर सर्किट, देन आई कैन राइट इट डाउन एज माइनस का LdIdt इज इक्वल टू I into R। तो आपको क्या मिल सकता था, क्या मिल सकता था, डी टी अपॉन एल, ध्यान दीजिएगा, डी टी चला गया उधर, एल चला गया नीचे, तो डी टी अपॉन एल आ गया इधर। फिर आपके पास अगर इसको मैं छोटा ही ले लेता हूँ, जैसे पिछली बार भी मैंने ये गलती करी, गलती तो कुछ नहीं है बट अच्छा लगता है, तो माइनस का डी आई अपॉन
आपके पास आई आर ये बचा, आई आर ये बचा। अब आप क्या कर सकते हो, इस माइनस को इधर ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कर दिया है इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन अपने लोगों ने। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलता है, कहाँ से कहाँ, तो ये आपका जीरो से किसी टाइम टी तक, ठीक, जीरो से किसी टाइम टी तक। और कहाँ से कहाँ करंट, तो करंट आपका इनिशियली क्या है, आई नॉट है, मैक्सिमम करंट है, क्या है, मैक्सिमम करंट, ठीक। तो कोई करंट आपको वहां पर आई प्रोवाइड करवाएगा, वो करंट आपको वहां पर आई प्रोवाइड करवाएगा किसी टाइम टी के बाद, तो आई होगा ना, वो इन्फिनिट के बाद आपका जीरो जरूर हो जाएगा। जैसे बढ़ने में मैंने क्या बोला था, टाइम इन्फिनिट लगता है मैक्सिमम करंट तक पहुंचने के लिए, तो कम होने के लिए भी हमने मान लेना है इन्फिनिट करंट लगेगा। बट अभी की बात कब करें, तो कोई टाइम टी के बाद करंट आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस का टी अपॉन एल आ गया, और इधर आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ ई आई, कहां से कहां तक, आई नॉट से आई तक, और जो आर है वो इधर आ जाना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर ले आओ। तो माइनस का आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई आई माइनस का लॉग ऑफ ई आई नॉट गिव्स मी व्हाट, ये दे देता है मुझे आई अपॉन आई नॉट, क्लियर यहां तक। और इधर आपके पास क्या है, माइनस का आर टी अपॉन एल, जो लॉग है उधर वो इसको इधर ले आऊं, एक्सपोनेंशियली बन जाएगा। तो ई की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू इधर रहता है आई अपॉन आई नॉट, ये टेन नहीं है, ये आई नॉट है मेरे भाई, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या मिली, तो आई की वैल्यू क्या मिली, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आई की वैल्यू आपके पास आ जाती है आई नॉट ई की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल, आर अपॉन एल या एल अपॉन आर क्या है, टाउ, तो आई नॉट ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ, ठीक। अगर यहां पर अब टाइम की वैल्यू टाउ के बराबर कर दी जाए, यहां पर अगर टी की वैल्यू टाउ के बराबर कर दी जाए, तो देखो क्या मिलता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक, ई की पावर माइनस वन, ठीक, तो आई नॉट इंटू वन बाई ई, ठीक है। तो 1/e बोले तो कितना था, 0.37 ऑफ आई नॉट। तो जो पर्टिकुलर करंट पहले 0.63% आया था ग्रोथ के टाइम, टाउ टाइम के लिए, तो वही सेम टाइम के लिए अब आपका जो करंट डिके आ रहा है वो कितना रहा है, 37%, 37%। अगर कंपैरिजन के लिए आ जाए, बताओ भाई क्या कंपैरिजन है, ग्रोथ के लिए कितना करंट बढ़ता था, 67%, डिक्रीज कितना होगा, ओनली 37%, रेशियो पूछ लिया जाए, 37/63%, दोनों की रेशियो भी हो सकती है डिके और ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पर्टिकुलर करंट इज गोइंग टू कम आफ्टर एनी टाइम टाउ, और किसी और टाइम की पूछ ली जाएगी, वो टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाउ दिया होगा भाई, दो टाइम कॉन्स्टेंट्स के बाद या तीन टाइम कॉन्स्टेंट्स के बाद, तो ऑटोमेटिकली यू कैन जज दैट। तो टाइम की वैल्यू को टाउ के टर्म्स में पुट कर देना है, और टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो ई की समथिंग पावर आएगी, उसको सॉल्व कर देना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आई की तो वैल्यू ये हो गई यहाँ पर, ठीक। अगर इसके लिए ग्राफ आता है, तो ग्राफ कैसा भाई, टी इज इक्वल टू जीरो पर करंट तो मैक्सिमम था आई नॉट, है ना, और मैक्सिमम होने के बाद कोई टाइम इंफिनिट के बाद वो जीरो भी हो जाना है, ठीक। बट अगर वो टाइम आपका यहां पर टाउ के बराबर हो, तो उस समय का जो करंट होगा वो कितना होगा, 0.3% ऑफ आई नॉट होगा, कितना होगा, 0.3% ऑफ आई नॉट हो जाएगा। तो ये बेसिकली सारा का सारा फंडा ग्राफ्स के साथ, किसका, ग्रोथ और डिके का, किसमें, एल आर सर्किट में। मुझे उम्मीद है भाई आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक तो करो ही करो, साथ में शेयर भी करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि अब से मैं रोज एक वीडियो डालने वाला हूँ, एक 11th, एक 12th, हो सकता है 10th की भी डालना शुरू कर दूँ साथ में साथ। एक पूरा जो लेक्चर था, सॉरी चैप्टर था, वो तो मैंने अपलोड कर दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10। उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले टाइम पे 9th का भी करूंगा, और 10th का तो कर ही रहा हूँ और करूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक्स अ लॉट।